हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राशन कार्ड धारकों के लिए बुरी खबर जारी हो चुकी है। जितने भी राशन कार्ड धारक हैं जो राशन को प्राप्त करते हैं, उन सभी को अब बड़ा झटका लगने जा रहा है। यानी कि 80 करोड़ लोगों को सरकार की तरफ से झटका लगने जा रहा है। दोस्तों, नए नियम लागू किए गए हैं, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे कि कौन से वह नए नियम लागू किए गए हैं। साथ ही दोस्तों, राशन कार्ड धारकों को अब राशन नहीं मिलेगा। तो यह राशन किन राशन कार्ड धारकों को नहीं दिया जाएगा, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। अगर आप राशन लेना चाहते हैं और अपने राशन कार्ड को भी बचाना चाहते हैं, तो आपको कुछ महत्वपूर्ण कार्य करना होगा जो सरकार की तरफ से बताया गया है। अब वह क्या कार्य करना है दोस्तों, वह भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑल पर आप सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोज आपको मिलते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन वितरित किया जा रहा है। दोस्तों, अगर आप भी राशन लेते हैं, अगर आपने भी अब तक वह कार्य नहीं कराया है, तो आपको भी वह कार्य कराना होगा। यह सभी राशन कार्ड धारकों के लिए अनिवार्य है। दोस्तों, यहाँ पर राशन कार्ड धारकों को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि सरकार की तरफ से काफ़ी राशन कार्ड धारकों के राशन को बंद किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों, जो सरकार की तरफ से नियम लागू किए गए हैं, अगर वह नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो उनका राशन कार्ड बंद किया जा सकता है और दोस्तों राशन भी बंद किया जा सकता है। और साथ ही दोस्तों, उसमें बताना चाहेंगे कि सरकार की तरफ से राशन कार्ड धारकों के जो लिए नियम लागू किए गए हैं, उसके लिए दोस्तों सरकार की तरफ से उन नियमों के आधार पर ही राशन दिया जा रहा है। दोस्तों, जो राशन कार्ड धारक फ्री राशन को प्राप्त कर रहे हैं, अब उनमें काफ़ी ऐसे राशन कार्ड धारक भी हैं जो फ्री राशन के आश्रित ही हैं, उनको सबसे बड़ा झटका लगने वाला है। दोस्तों, जिनके पास कोई आय का स्रोत नहीं है और वह फ्री के राशन से ही अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, भरण पोषण करते हैं, तो उनको सबसे बड़ा झटका यहाँ पर लगने जा रहा है। क्योंकि आपको स्मरण होगा कि सरकार की तरफ से फ्री राशन की अंतिम तिथि सितंबर रखी गई है, यानी कि सितंबर के बाद फ्री राशन मिलना बंद हो जाएगा। जैसे कि हमने आपको बताया है कि अंतिम तिथि बहुत ही नज़दीक है और कई बार सरकार द्वारा फ्री राशन की अंतिम तिथि को बढ़ाया गया है, लेकिन जो फाइनल एंड लास्ट अंतिम तिथि सरकार की तरफ से निर्धारित की गई है, वह 30 सितंबर 2022 की गई है। अब सरकार की तरफ से फ्री राशन बंद हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, लाभार्थियों को पैसे देकर ही राशन को प्राप्त करना होगा, फ्री राशन नहीं दिया जाएगा। हालांकि ऐसा हो सकता है कि दोस्तों 2024 में होने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सरकार की तरफ से आगे स्थिति को बढ़ा दिया जाए, लेकिन अभी तक इस पर कोई स्पष्ट रूप से निर्णय नहीं लिया गया है, नहीं कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिससे कि पता चल सके या फिर आप भी मान सके कि जो फ्री राशन है वह 2024 तक ही मिलेगा। लेकिन जो हाल ही की अंतिम तिथि सरकार द्वारा निर्धारित की गई है, वह दोस्तों 30 सितंबर ही निर्धारित की गई है। अभी तक आगे तिथि बढ़ाने का कोई फैसला नहीं लिया गया है।
तो जो व्यक्ति फ्री राशन के आश्रित हैं उनको बड़ा झटका यहाँ पर लगेगा। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ उन लाभार्थियों को भी यहाँ पर झटका लग सकता है जो फ्री राशन के आश्रित नहीं हैं, जो पैसे देकर भी राशन को ले सकते हैं। अब उनको कैसा झटका लगेगा, चलिए इसके बारे में भी हम आपको यहाँ पर जानकारी दे देते हैं। तो दोस्तों बताया गया है कि काफ़ी ऐसे राशन कार्ड बन रहे हैं जो नियमों का पालन नहीं करते हैं, यानी कि काफ़ी ऐसे राशन कार्ड धारक हैं, ऐसे लाभार्थी हैं जो नियमों का पालन नहीं करते हैं, राशन को वह प्राप्त भी कर रहे हैं। तो दोस्तों नए नियमों के अनुसार राशन कार्ड धारक अगर अपने राशन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक नहीं कराते हैं तो उनका राशन कार्ड सरकार की तरफ से रद्द कर दिया जाएगा, उनको राशन नहीं दिया जाएगा। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि जिन लाभार्थियों ने अभी तक अपने राशन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया है वह जल्द से जल्द किसी भी नज़दीकी सीएससी केंद्र पर जाकर अपने राशन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक जरूर करा लें, क्योंकि हो सकता है कि 30 सितंबर के बाद, गलती ले माफी चाहेंगे, 30 सितंबर के बाद आपके राशन कार्ड की दोबारा से जांच की जाए, क्योंकि दोस्तों अंतिम तिथि काफ़ी नज़दीक है और 30 सितंबर के बाद आपका जो फिर राशन है वह मिलना बंद हो जाएगा। तो जितनी जल्दी हो सके आपको अपने राशन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक कराना है। अगर आप ऐसा कार्य नहीं करते हैं, अपने राशन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि आप भी अपात्र की श्रेणी में चले जाएं, अपात्र की लिस्ट में आपको डाल दिया जाए। अगर दोस्तों सरकार की तरफ से आपको अपात्र घोषित किया जाता है तो डेफिनेटली दोस्तों आपका जो राशन कार्ड है वह सरकार की तरफ से बंद कर दिया जाएगा और फिर दोस्तों आपको राशन नहीं दिया जाएगा, न तो आप दोस्तों फ्री राशन ले पाएंगे और न ही आप पैसे देकर राशन ले पाएंगे। तो आपको जितनी जल्दी हो सके अपने राशन कार्ड से अपने आधार कार्ड को लिंक कराना होगा, तभी आगे आपको फ्री राशन मिल पाएगा। सही दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप राशन कार्ड से कई प्रकार की सुविधाएं ले सकते हैं। अपने राशन कार्ड को दोस्तों आप कई प्रकार से यूज कर सकते हैं, यानी कई सुविधाएं इस राशन कार्ड से ले सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपका कोई भी सवाल है तो सवाल कर सकते हैं, आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। और ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। आप चाहते हैं आपसे इजाज़त और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।